नमस्कार अभिनंदन। हमें अपनी भारतवर्ष पर गर्व है और यह भारत भूमि इस पूरे विश्व में श्रेष्ठ स्थान पर विराजित है। इसका स्थान विशेष है। प्रत्येक देश इसकी गरिमा को जानता है। इस स्वर्णमय भूमि पर सभी गर्व करते हैं और यह पृथ्वी पर एक हीरे के समान दमकती है। जी हाँ, भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। कक्षा 8वीं के प्यारे छात्रों, आज हम सभी अपनी इस संस्कृत कक्षा में इसी पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे और गर्व अनुभव करेंगे अपनी इस भारत भूमि पर। तो आइए रुचिरा पुस्तक के अंतर्गत पाठ 13 क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह पद्यांश डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है और इसके अंतर्गत उन्होंने प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से केवल भारत भूमि के गौरव का गुणगान किया है। उसके खाद्यान्न संपन्नता, कला के प्रति अनुराग, उसकी प्राविधिक प्रवीणता, वन वनस्पति, सामरिक शक्ति सबके महत्व को दर्शाया है। हमारी प्राचीन परंपरा, संस्कृति और आधुनिक मिसाइल की क्षमता, परमाणु शक्ति संपन्नता आदि के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है और इन संस्कृत श्लोकों के सस्वर गायन से हम अपने देश के प्रति गौरव को अनुभव करेंगे और समझेंगे। तो पहले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयम स्वर्णवद भाति शस्यै धर्येयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। कि यहाँ पर भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कवि कहता है, संपूर्ण सदैव किस पूर्ण रहते हैं, भरे रहते हैं सदैव हमेशा, खाद्यान्न भाण्डम अर्थात खाने के बर्तन, कि जहाँ पर खाद्यान्न रूपी बर्तन हमेशा भरा रहता है। नदी नाम जलम, नदियों का जल जहाँ पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति शस्यैर धर्यम, कि जहाँ की धरती फसलों से स्वर्ण के समान सुंदर लगती है, ऐसी यह भारत भूमि, स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। अगले श्लोक के लिए, त्रिशूला अग्नि नागई पृथ्वीस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्तिर्भि पूरी तेयम सदा राष्ट्र रक्षा तानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि त्रिशूल नागई किस राष्ट्र की रक्षा के लिए त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से परमाणु की महान शक्ति, अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, कि अणु और परमाणु की महान शक्ति से संपन्न, सदा राष्ट्र रक्षा नाम धरेयम हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर विराजमान है। कि यह भारत भूमि, स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है, जिसमें परमाणु महाशक्ति से परिपूरित त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी जैसे घोर अस्त्र हैं जो इसकी रक्षा करते हैं। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च
भूदेव गेया। सदा पर्वणा उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। अर्थात यह भारत भूमि, यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है। वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है और कर्मों के द्वारा सेवन के योग्य है। जगदवंदनिया, संसार में पूजने योग्य। और भूदेव गया, और यह इसकी धरती जो है वो देवताओं के द्वारा जिसके गीत गाए जाते हैं। सदा पर्वणा उत्सवानां धरेयम्, हमेशा पर्वतों और उत्सवों वाली यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर विराजमान है। आगे बढ़ते हैं। इयम ज्ञानिनां च एव वैज्ञानिकानां विपश्च जनानाम इयम संस्कृतानां बहुनाम मतानां जनानां धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। बड़ा सुंदर ही वर्णन यहाँ पर किया गया है कि यह ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां, कि यह ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, विद्वजनानां विद्वजनों की, विद्वानों की और सभ्य लोगों की, बहुनाम मतानाम अनेकों मतों को मानने वाले जनानाम लोगों की, धरती है। यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सभ्य लोगों की, अनेक मत वाले लोगों की धरती है। ऐसी यह भारत की स्वर्णमय धरती पृथ्वी पर शोभायमान है। आगे शिल्पकला और यंत्र विद्या के प्रति भारत भूमि में क्या विशेष है यह जानें। इयम शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शक्तिस्त्रणां भू प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्त शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है। यह शिल्पकारों, यंत्र विद्या को जानने वालों, चिकित्सकों, भिषक कहते हैं चिकित्सक, तथा प्रबंध कार्यों में लगे हुए भू प्रबंधे यानी पृथ्वी के प्रबंध में लगे हुए, जो भू प्रबंध यानी कि धरती के प्रबंध कार्यों में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, इन सब कार्यों में लगे हुए लोगों की भूमि है। नटानाम नटीनाम यह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की, कविनाम धरेयम और कवियों की धरती है। ऐसी यह भारत भूमि स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। कि यह शिल्पकारों, यंत्र विद्या को जानने वालों, चिकित्सकों, प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेता अभिनेत्रियों कवियों की धरती है। और ऐसी यह भारत की स्वर्णमयी धरती इस विश्व में, इस भूमि पर विराजमान है, शोभायमान है। वने दिग्गजानाम, वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम तटीना इयम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। अर्थात कहने का तात्पर्य है